नमस्कार, आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में जैसा कि हम क्लास 10th की पूरी साइंस पढ़ रहे हैं और उसी उसमें हम आज एक नया चैप्टर लेके आए, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, विच इज अ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए, लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मान लीजिए कोई भी चेंज हमारी बॉडी के अंदर आता है, उस चेंज के लिए हमारी बॉडी रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करती है। बहुत सिंपल सा चीज है, हमारी बॉडी में कोई भी चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल चेंज आ रहा है, उसके लिए बॉडी रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करती है। ठीक, ये एक बहुत सिंपल सी लाइन है, थ्रू विच एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट हो गया ये भी। मान लीजिए कोई एक्सटर्नल चीज हमारे पास आ रही है, जैसे मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है या कोई गर्म बर्तन हमने गलती से छू लिया, तो क्या करेंगे, अपना हाथ हटा लेंगे। कहीं पे हमें बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनना चालू कर देते हैं ठंडी के मौसम में। ऑब्वियस है, कोई हमारा नाम बुला रहा है, कोई हमें आवाज देके बुला रहा है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत मुड़ते हैं ना पीछे, या देखते हैं उस तरफ कहाँ से साउंड आ रहा है, कौन मुझे बुला रहा है। सो कोई भी एक्सटर्नल चीज जो हमारी बॉडी के पे आ रही है, उसके लिए हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब या तो अचानक से बिल्कुल कर देते हैं कि यार हाँ यार कौन है, जो बिल्कुल रैंडमली होता है ना, जो सडन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन, रिएक्ट कहते हैं उसे। और जो सोच समझ के किया जाए, दैट इज रिस्पॉन्ड। सो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड करते हैं टू एनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर, किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए। ठीक है, चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द चेंज इन्वायरमेंट अराउंड देम। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता है अपने अराउंड जो भी चेंज आता है। ठीक है, इफ अ मैन टचेस अ वेरी हॉट यूटेंसिल एक्सीडेंटली, ही क्विकली पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। अगर किसी भी आदमी का हाथ किसी गर्म बर्तन पे पड़ जाए तो वो सडनली बहुत जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है, शेट ही क्या हो गया ऐसा करके। सो हीट इज अ स्टिमुलस एंड मैन रिएक्ट टू द मूविंग हैंड फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। हीट एक प्रकार का स्टिमुलस है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल चेंज जो आ रहा है ना बॉडी पे, वो स्टिमुलस कहलाएगा, और उसके लिए जो भी हम काम करेंगे वो रिएक्शन या रिस्पॉन्ड है। द चेंज ऑफ द एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंटल चेंज है जिसके लिए हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको स्टिमुली कहते हैं। ठीक है, अब स्टिमुली क्या क्या है, देखिए, लाइट फॉर एग्जाम्पल, कभी देखा आपने बाइक से या कार से अगर आप जा रहे हो और कोई हाई बीम पे लाइट, कोई गाड़ी हाई बीम पे चली आ रही हो, हाई बीम पे लाइट चल के आ रहा हो उसका, तो जो लाइट है वो हमारी आंखों में जाता है और हमारी आंखें कैसे सिकुड़ जाती है, छोटी सी हो जाती है कि यार सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सो जो लाइट आ रही है ना, उसका हमने रिस्पॉन्ड दिया है, हाई बीम पे लाइट आ रही है, मतलब सामने वाली जो कार है, व्हीकल है, वो हाई बीम पे लाइट दे रहा है, बहुत ज्यादा लाइट दे रहा है, तो उसको लाइट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आंखें छोटी कर लेते हैं। क्यों करते हैं आंखें छोटी, ये एक प्रकार का रिस्पॉन्ड है कि ताकि कम लाइट अंदर एंटर करे, हम इजिली देख पाए चीजों को। ठीक है, तो लाइट, हीट एक प्रकार का रिस्पॉन्ड है, अभी बताया, कोल्ड हमें सर्दी लगती है तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं, साउंड कोई हमारा नाम बुलाए या जो चीज हम सुन रहे हैं उसको हमें सुनना है या नहीं सुनना है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन। कोई हमें कुछ बोल रहा है, अब हमें नहीं सुनना है या सुनना है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन, तो वो भी साउंड भी एक प्रकार का स्टिमुली है। टेस्ट, टेस्ट भी एक प्रकार का स्टिमुली है, कोई चीज खा के देखी खाना है या नहीं खाना है, ऑब्वियस है। प्रेशर, पेन, वाटर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सभी एक प्रकार के स्टिमुली है और इसके लिए बॉडी रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करती है। The response to a stimuli is usually in the form of movement of the body part. Body part को हिलाकर, move करके हम दिखाते हैं कि हाँ हमें कोई reaction देना है। Hunger is a stimuli and we react by eating the food. एक example दे रहा हूँ, that is it. कि hunger एक प्रकार का stimuli है, हमें भूख लगी, हमने खाना खा लिया। जो stimuli है उसका reaction दिया हमने या respond किया उसके लिए। The response to the stimuli is a characteristic property of a living organism. ये living organism की property है कि वो respond करता ही है। ठीक, चलिए, प्लांट एंड एनिमल रिएक्ट टू द वेरियस स्टिमुली अराउंड देम। जो प्लांट और जो एनिमल है वो दोनों ही रिएक्शन देते हैं अपने स्टिमुली के लिए। द प्लांट कैन रिएक्ट स्टिमुली इन द डिफरेंट वेज, प्लांट भी अलग और एनिमल भी दोनों अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट है वो लिमिटेड वेज में करता है। ठीक है, द वर्किंग टूगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देना, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सारे ऑर्गन का अच्छे से काम करना, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देना टू द स्टिमुली, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब
सारे बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे, काम करने के बाद जो भी स्टिमुली आया है स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। देखिए हमारे पास दो ही ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है और एक एनिमल है। ठीक है, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पढ़ना है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे प्लांट्स के लिए फिर पढ़ेंगे एनिमल्स के लिए। चलिए, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द प्लांट हार्मोन्स। प्लांट के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, मतलब प्लांट के पास ब्रेन नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, नर्व्स नहीं होते, नर्व सेल्स नहीं होते। इसीलिए प्लांट जो भी रिएक्शन या जो भी रिस्पॉन्ड करता है वो हार्मोन से करता है, और उन हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। उन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं बेटा? फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, प्लांट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट द एनवायरमेंटल चेंज बाय यूजिंग द हार्मोन्स। अब प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम लाइक सेंस ऑर्गन लाइक आईज, ईयर, नोज एक्सेट्रा, एनिमल के पास है। सो एनिमल जो होता है ना उसके पास ब्रेन होता है, सो वो नर्वस सिस्टम से भी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है, सिमिलरली वो हार्मोन से भी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन प्लांट सिर्फ हार्मोन से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, जैसे एग्जांपल है ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये चार हार्मोन है हमारे पास। ठीक है, चलिए इनके पर्पस जान लेते हैं कि ऑक्सिन का काम क्या है। ऑक्सिन का काम क्या है, देखिए जो सेल है ना सेल को इलोंगेशन देता है, मतलब सेल को लंबा कर देता है। अच्छा, सेल चाहे रूट का हो सेल चाहे शूट का हो, तो सेल इलोंगेशन का काम है। जब सेल इलोंगेट हो जाता है ना, इलोंगेट होने के बाद उसी सेल को डिवाइड कर देता है, मतलब जो सेल इलोंगेट हो गया पहले सेल को बड़ा करेगा, बड़ा करने के बाद उसी सेल को तोड़ देगा दो हिस्सों में, एक सेल से दो सेल बना दिए, सेल डिविडेशन। ठीक है, लास्ट दिया हुआ प्रिवेंट द प्रीमेच्योर फॉल ऑफ द लीफ, लीफ के प्रीमेच्योर फॉल से बचाता है, मतलब ऐसी पत्तियां जो जल्दी झड़ जाती हैं, मैच्योर होने के पहले ही झड़ जा रही हैं, उनसे बचा लेता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिबरेलिन, गिबरेलिन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी ऑफ द सीड एंड बर्ड। ये सीड और बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोरमेंसी? द इनएबिलिटी टू ग्रो। जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जो कुछ सीड्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, सो उनकी डोरमेंसी, दैट इज मतलब ग्रो ना कर पाना, द इनएबिलिटी टू ग्रो। एक सीड से जर्मिनेट होके प्लांट बनाना, मतलब रूट और शूट बनाना किसी किसी सीड के लिए पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी। और डोरमेंसी का ब्रेकिंग क्या कहलाता है? जो भी प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है उसकी एबिलिटी को बढ़ा देना, द एबिलिटी टू ग्रो द प्लांट। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी क्या है? द इनएबिलिटी टू ग्रो द प्लांट। ठीक है, और उसको ब्रेक कर देना मतलब उसकी एबिलिटी को बढ़ा देना, जो इनएबिलिटी है उसको एबिलिटी में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। दे ऑल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ कर देते हैं, प्रमोट करते हैं उसको। गिबरेलिन शूट एक्सटेंशन करते हैं। देखिए एक प्लांट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है शूट पार्ट और एक होता है रूट पार्ट। तो नीचे वाला पार्ट जो मिट्टी के अंदर होता है मेनली उसको हम रूट कहते हैं, और जो अपर वाला पार्ट होता है उसको हम शूट कहते हैं। ठीक है, सो गिबरेलिन हार्मोन इन्वॉल्व मेनली इन शूट एक्सटेंशन। जो गिबरेलिन होता है वो शूट एक्सटेंशन करता है। गिबरेलिन स्टिमुलस अलोंग द शूट ऑफ द वेरियस पार्ट, ये शूट का एलोंगेशन करता है, शूट को बढ़ा देता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। साइटोकिनिन्स प्रमोट द सेल डिविजन, सेल को डिवाइड कर देता है। ठीक, डिले द एजिंग ऑफ द लीफ, लीफ की एजिंग को बढ़ा देता है, मतलब लीफ की उम्र को बढ़ा देता है। ऐसा सपोज कर लीजिए लीफ की एज है कुछ 10, 15, 20 दिन की, उस एज को ये बढ़ा देता है, 15 से ज्यादा कर देता है, 20, 25, 30, 35 और ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब कुछ भी एज हो लीफ की एज को बढ़ाता है। साइटोकिनिन्स प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, जो स्टोमेटा ओपन हो रहा है, गार्ड सेल्स ओपन हो रहे हैं, पानी को एब्जॉर्ब करके, वो पूरा किसकी वजह से हो रहा है? वो साइटोकिनिन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, वहां पे साइटोकिनिन हार्मोन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई स्टोमेटा ओपन होता है। दे प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करने का क्या मतलब है? कि जो भी हमारे पास फ्रूट है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देंगे, इनहेंस कर देंगे, जल्दी फ्रूट ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? सी एब्सिसिक एसिड जो है ना वो क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा में को प्रमोट करता है। जैसे इससे पहले हमारे पास साइटोकिनेस था वो ओपनिंग कर रहा था स्टोमेटा की, ये जो हमारे पास एब्सिसिक एसिड है ये क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा पे ध्यान देता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड प्रमोट द विल्टिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द लीफ, लीफ को झड़ाने में गिराने को प्रमोट करता है, मतलब पुराने लीफ गिरेंगे तभी तो नए लीफ आएंगे, ऑब्वियस है, पुराने लीफ का गिरना ये प्रमोट करता है।
इट ऑल्सो कॉज द डिटैचमेंट ऑफ द फ्लावर एंड द फ्रूट ऑफ द प्लांट. ये फ्लावर और फ्रूट को डिटैच कर देता है प्लांट से, प्लांट में जो फ्लावर या द फ्रूट लगा है उसको डिटैच करके नीचे निकाल देता है. दिया हुआ है प्लांट मूवमेंट. देखिए प्लांट की जो भी ग्रोथ हो रही है ना, वो ग्रोथ प्लांट मूवमेंट के थ्रू दिखता है. मतलब प्लांट जब मूव करता है वो एक प्रकार का ग्रोथ मूवमेंट है. ठीक है, समझते हैं. प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन, मतलब प्लांट पूरी एंटायर बॉडी को मूव नहीं करते, थोड़े थोड़े पार्ट मूव कर लेते हैं. जैसे स्टेम है वो हिल जाएगा, लीफ हिल जाएगा थोड़ा सा, पूरा लोकोमोशन नहीं दिखाता है. ठीक है, बिल्कुल ही प्लांट एक जगह से खड़ के दूसरी जगह चला जाएगा खुद से, नहीं ऐसा नहीं होता है. इंडिविजुअली प्लांट पार्ट और द ऑर्गन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुली लाइक लाइट, फोर्स, ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंस, वाटर एंड टच. मतलब लाइट के प्रेजेंस में, ग्रेविटी के प्रेजेंस में, केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में, वाटर और टच, इन सब चीजों के प्रेजेंस में ही प्लांट एक जगह एक थोड़ा सा मूव करता है, प्लांट का पार्ट या ऑर्गन मूव करता है. एग्जाम्पल, वन साइड ऑफ द स्टेम हैज मोर ऑक्सीजन देन द अदर. मान लीजिए प्लांट के एक साइड ज्यादा ऑक्सीजन है और दूसरे साइड कम ऑक्सीजन है. देन द साइड ऑफ द स्टेम हैविंग मोर ऑक्सीजन हार्मोन विल ग्रो फास्टर देन द अदर साइड. जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा होगा उस साइड ग्रोथ ज्यादा होगी. अब ऑक्सीजन किस साइड ज्यादा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन सनलाइट. सनलाइट जिस साइड होता है उस साइड ऑक्सीजन ज्यादा होता है. ठीक है, दिस विल कॉज अ स्टेम टू बेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टिमुली. मतलब यहाँ पे स्टिमुलस के प्रेजेंस में जो हमारा स्टेम है वो एक साइड को बेंड हो जाता है. कहने का मतलब है सनलाइट जिधर है, जिस साइड सनलाइट होता है उस साइड ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा होता है. उस साइड अगर ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा होगा उस साइड ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्रोथ जहां ज्यादा होगी स्टेम उस साइड बेंड हो जाएगा. ठीक, द मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट इज यूजुअली अ ग्रोथ मूवमेंट. प्लांट का किसी भी तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो एक प्रकार का ग्रोथ मूवमेंट है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हम टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट पे. टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट क्या है? प्लांट मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिज्म, एक होता है नेस्टिक. अब ट्रॉपिज्म और नेस्टिक क्या है वो दो मिनट में समझ लेते, कुछ ज्यादा है नहीं उसमें. ट्रॉपिज्म मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जब प्लांट किसी स्टिमुलस के डायरेक्शन में या किसी स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. मतलब ये है कि मान लीजिए सनफ्लावर है, सनफ्लावर हमेशा अपना फेस सन के साइड करके रखता है, तो जिस डायरेक्शन में सन मूव करेगा उसी डायरेक्शन में उसका फेस मूव कर जाएगा. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सन यहाँ पर है, यहाँ पर एक सन है और ये जो हमारे पास सनफ्लावर है ये सन को ही देखता रहेगा. मान लीजिए सन थोड़ा सा ऊपर चला गया तो सनफ्लावर अपना फेस ऐसा कर लेगा, मतलब पहले फूल ऐसा था अब ऐसा हो गया. मान लीजिए सन इधर साइड को गिर रहा है तो अपना फेस इस साइड मूव करेगा. जिस साइड सन रहेगा उसी साइड सनफ्लावर का फेस रहेगा. तो ये एक प्रकार का ट्रॉपिज्म है, ट्रॉपिक मूवमेंट है. मतलब ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, प्लांट का ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन एक डायरेक्शन के चलते, स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा. फिर आता है नेस्टिक मूवमेंट. ऐसा कोई भी डायरेक्शन, ऐसा कोई भी मूवमेंट जो बिना डायरेक्शन के हो, ऐसा प्लांट का कोई भी मूवमेंट जो बिना डायरेक्शन के हो. मतलब स्टिमुलस के डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, स्टिमुलस के डायरेक्शन में प्लांट मूव नहीं करेगा. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म एक प्रकार का ग्रोथ मूवमेंट है, पक्की बात है. ट्रॉपिज्म एक प्रकार का कैसा मूवमेंट है? ग्रोथ मूवमेंट है. मतलब इस मूवमेंट से ग्रोथ होना है. अ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली. इसमें होता क्या है, एक प्लांट पार्ट जो होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुली में के लिए रिस्पॉन्ड करता है. डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली, डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली मतलब जिस डायरेक्शन में स्टिमुली होगा ना उसी डायरेक्शन में अपना फेस कर लेगा ये. ठीक, डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म. इसको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं. जब भी प्लांट का मूवमेंट डायरेक्शन वाइज होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस है उसी डायरेक्शन में अगर प्लांट का मूवमेंट है, ऐसे मूवमेंट को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं. ठीक, इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट टुवर्ड द स्टिमुली इज कॉल्ड पॉजिटिव. अगर मान लो प्लांट का पार्ट स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, प्लांट का पार्ट स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे. अगर अगेंस्ट जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव. If the growth of the plant part is away from the stimulus, अगर plant part stimulus से दूर जा रहा है तो इसको हम कहते हैं negative tropism. इसको हम क्या कहते हैं? Negative tropism कहते हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Type of tropism, tropism कितने प्रकार के हैं? Tropism mainly 5 प्रकार के होते हैं. ठीक है, light, gravity, chemical, water, touch. कौन कौन से? Light, gravity, chemical, water, touch. लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, टच. ठीक, ये 5 प्रकार के होते हैं.
जब भी लाइट की वजह से कोई भी प्लांट का मूवमेंट होगा या उस फिनोमेना को हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। जब भी प्लांट मूवमेंट होगा ग्रेविटी से तो उसको बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। केमिकल के डायरेक्शन में होगा तो उसको हम बोलेंगे कीमोट्रॉपिज्म। वाटर के रिस्पॉन्स में कोई भी चेंज आएगा तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। और टच के रिस्पॉन्स में अगर कुछ भी होगा तो उसको हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। तो हमारे पास कितने प्रकार की चीजें हैं? पांच। ठीक है, फर्स्ट लाइट। लाइट से कोई भी चेंज आएगा अगर स्टिमुलस, लाइट एक प्रकार का स्टिमुलस है और वो अगर किसी प्लांट के किसी भी पार्ट मूवमेंट में हेल्प करता है, डायरेक्शनल मूवमेंट में हेल्प करता है तो उसको हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी प्लांट पार्ट के डायरेक्शनल मूवमेंट में हेल्प करे, डायरेक्शन मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस प्लांट पार्ट को मूव करा रहा है या उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करा रहा है तो उसको हम बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। फिर ऐसे कीमोट्रॉपिज्म, उसके हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। पहले आते हैं फोटोट्रॉपिज्म में। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? देखिए, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। कभी भी प्लांट पार्ट का जो मूवमेंट है, कभी भी प्लांट पार्ट का जो भी मूवमेंट है वो लाइट को देख के है, लाइट के डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, उससे मतलब नहीं है। लाइट को देखकर अगर प्लांट अपना डायरेक्शन बदल रहा है तो ऐसे उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। ठीक है, अब फोटोट्रॉपिज्म दो प्रकार का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेम है, स्टेम ना सनलाइट को देख के सन के तरफ जा रहा है, देखो सन के थोड़ा सा डायरेक्शन में मूव कर गया। वहीं जो रूट है ना, रूट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है? जिस डायरेक्शन में सन है उसी डायरेक्शन में प्लांट पार्ट मूव कर रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है? रूट मूव कर रहा है। तो रूट इज शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रूट क्या शो कर रहा है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोट्रॉपिज्म, प्लांट पार्ट अगर ग्रेविटी को लेके, ग्रेविटी को देख के मूव करे, मतलब कुछ प्लांट पार्ट ग्रेविटी से अगेंस्ट चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टेम, जो शूट पार्ट है वो ग्रेविटी से अपोजिट जा रहा है। ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जो प्लांट पार्ट है ये कहाँ मूव कर रहा है? अपवर्ड मूव कर रहा है। तो स्टेम अपवर्ड मूव कर रहा है और रूट कहां मूव कर रहा है? डाउनवर्ड। तो जो स्टेम है, स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है। क्या दिखाता है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमोट्रॉपिज्म, देखिए, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ अ केमिकल स्टिमुली। केमिकल स्टिमुलस को देख के अगर प्लांट पार्ट मूव करना चालू कर दे उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अब कीमोट्रॉपिज्म कैसे? दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। अब पॉजिटिव क्या है? देखिए, ये पॉलन ग्रीन है, ठीक है, कहाँ से निकलता है? स्टेमन में से निकलता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से। ये जो पॉलन ग्रीन है ये एंटर करता है ओव्यूल डक्ट में, ठीक है, डक्ट में जैसे एंटर करता है ना, जैसे उसको प्लांट को पता चलता है कि जो पॉलन ग्रीन है वो एंटर कर गया है ओव्यूल डक्ट में या ओवरी डक्ट में, सो जो लेंथ है डक्ट की लेंथ बढ़ जाती है अपने आप। देखिए यहाँ पे डक्ट की लेंथ कितनी कम थी, यहाँ पे देखिए डक्ट की लेंथ सिर्फ इतनी है, लेकिन जैसे ही पता चला कि ऊपर एक पॉलन ग्रीन आके बैठा है तो डक्ट की लेंथ तुरंत बढ़ गई, डक्ट की लेंथ तुरंत इंक्रीज हो गई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो रूट होता है वो पानी को खोजते खोजते आगे बढ़ जाता है, सो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब ये जो हमारे पास रूट है यहाँ पे पूरी की पूरी ड्राई सॉइल है, तो जो रूट है वो सीधा सीधा बढ़ रहा है आगे थोड़ा बहुत पानी को एब्जॉर्ब करके, लेकिन जैसे ही उसको पता लग रहा है कि अरे देखो बगल में पानी है तो रूट अपना डायरेक्शन क्या कर लेता है? उसी डायरेक्शन में कर लेता है। तो प्लांट के पार्ट का मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स ऑफ वाटर, वाटर को देख के प्लांट के पार्ट का मूव करना इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं बेटा उसको? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर रूट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर जा रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर वो अगेंस्ट द डायरेक्शन जाएगा या कोई भी प्लांट पार्ट वाटर से अगेंस्ट डायरेक्शन में जाएगा उसको बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक, चलिए। यूजफुलनेस ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट जरूरी क्यों है? ठीक है, इट हेल्प्स इन द प्लांट टू सर्वाइव, प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, इवन इफ अ सीड इज प्लांटेड अपसाइड डाउन इट्स रूट विल स्टिल ग्रो डाउनवर्ड, द अर्थ कॉजेज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। होता क्या है कि अगर सीड को आप उल्टा लगा दो तो भी
उसका जो रूट है ना वो नीचे साइड ही जाएगा और जो उसका शूट है वो ऊपर ही साइड आएगा। ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म के कारण होता है, मतलब जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, इसलिए रूट हमेशा नीचे ही जाएगा और शूट हमेशा ऊपर ही आएगा। द रूट विल ऑल्सो ग्रो टूवर्ड द वॉटर बिकॉज इट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। जो रूट है वो पानी की तरफ जाएगा क्योंकि वो हाइड्रोट्रॉपिक है। सिमिलरली द शूट कैचेज द सीड विल ग्रो अपवर्ड बिकॉज इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। जो शूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। एंड टूवर्ड द लाइट बिकॉज इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। जो शूट है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, वो लाइट के तरफ जाता है। दीज ट्रॉपिक मूवमेंट हेल्प द प्लांट टू ऑब्टेन वॉटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल एंड द लाइट फ्रॉम द सन। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल। इसीलिए इसको ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं, मतलब जो लाइट है और जो पानी है वो दोनों ही जरूरी है। लाइट शूट के लिए जरूरी है, पानी रूट के, वैसे तो पूरी बॉडी के लिए जरूरी है लेकिन लाता कौन है, रूट ही लाता है ना, इसीलिए उसका काम है। ठीक है, चलिए नेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है। नेस्टिंग मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल मतलब स्टिमुलस अगर आ गया ना तो प्लांट पार्ट ऐसे चला नहीं जाएगा उस डायरेक्शन में कि चलो इस साइड सन है तो मैं अपना फेस इस साइड कर लेता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया? सो नेस्टिंग मूवमेंट इज नॉट अ ग्रोथ, नेस्टिंग मूवमेंट इज नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है, अच्छा जो नेस्टिंग मूवमेंट है ना वो हो भी सकता है ग्रोथ मूवमेंट है और नहीं भी हो सकता है कि वो ग्रोथ मूवमेंट हो। जरूरी नहीं है कि वो ग्रोथ मूवमेंट हो ही, हो सकता है वो ग्रोथ मूवमेंट ना भी हो। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुली इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली इज कॉल्ड नेस्टिंग मूवमेंट। जब भी स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो उसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड द नेस्टिक मूवमेंट इज, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो डायरेक्शनल है, नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट मे और मे नॉट बी द ग्रोथ मूवमेंट। हो सकता है नेस्टिक मूवमेंट होने की वजह से ग्रोथ हो सकता है ग्रोथ ना भी हो। एग्जाम्पल फोल्डिंग ऑफ द लीव्स, अब ये पढ़ेंगे हम, जो मिमोसा प्यूटिका एक सेंसिटिव प्लांट है, टच से सेंसिटिव प्लांट है, उसको हम हिंदी में छुईमुई कहते हैं। सो वो जो मूवमेंट दिखाती है ना, वो जो प्लांट मूवमेंट दिखा रहा है ना, वो मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ठीक है, वो सेंसिटिव है इसलिए मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो नेस्टिक मूवमेंट है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है फोटोनेस्टिक और एक होता है थिग्मोनेस्टिक। ठीक है, थिग्मोनेस्टिक क्या है, अगर टच से, टच के रिस्पॉन्स देने के लिए कोई प्लांट अपना लीव बंद कर ले रहा है, फोल्ड कर ले रहा है, उसको हम थिग्मोनेस्टिक कहेंगे। ठीक है, और फोटोनेस्टिक क्या है, लाइट को देखकर अपना मूवमेंट करना, नॉट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बट लाइट, या लाइट को ना देखते हुए मतलब लाइट के हिसाब से अपना मूवमेंट करना, उसको हम कहेंगे फोटोनेस्टिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थिग्मोनेस्टिक क्या है, देखिए जो छुईमुई का पेड़ है उसको जब भी आप छूते हो तो छूने पर वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है, अपनी लीव्स को बंद कर लेता है। इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, प्लांट रिस्पॉन्स विद द टच इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टिक। ठीक, द स्टिमुली ऑफ द थिग्मोनेस्टिक इज द टच, मतलब थिग्मोनेस्टिक को हम टच के कैटेगराइज में रखते हैं, मतलब अगर टच कर रहे हैं तो उसको थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट कॉज टच बाय प्रोवाइडिंग द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूटिका विच इज ऑल्सो नोन एज टच मी नॉट प्लांट छुई मुई हिंदी। इफ वी टच द लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट विथ अवर फिंगर देन इट्स लीफ अपहोल्ड एंड ड्रूप ऑलमोस्ट इमिडिएटली। जैसे उसको टच करेंगे वो लीफ अपने आप को क्या कर लेगी, बंद कर लेगी। ठीक है, द सेंसिटिव हैड प्लांट हैज अ पैड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पल्विनी। जो लीफ होता है ना इसके पास पल्विनी होता है। पल्विनी करता क्या है, एज इट्स बेस ऑफ द लीफ, बेस ऑफ द लीफ में ये पल्विनी है, इस पार्ट में पल्विनी है, ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना ये पल्विनी कहलाता है। ठीक है, फोल्डिंग ऑफ द लीव ऑफ द सेंसिटिव प्लांट टच इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ द वॉटर। जो पैड लाइक स्ट्रक्चर पल्विनी है ना, जैसे ही उसको टच करता है तो वो वॉटर को लूज कर देता है। जैसे ही वो वॉटर को लूज करता है, पल्विनी प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द लीव सेंसिटिव प्लांट विच मेक द पल्विनी लूज देयर फर्मनेस, और वो अपनी फर्मनेस को लूज कर देता है। जैसे ही वो अपनी फर्मनेस को लूज करता है, लीव ड्रूप द फॉल्स, और वो ड्रूप कर जाते हैं, या तो मुड़ जाते हैं या तो वो गिर जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। When the leaf of the sensitive plant are touched with the finger, then the electrical impulse generated which travel through the ordinary cells. जो cells है ना, उनके through वो electrical impulse travel करता है। Travel करने से क्या होता है? This electrical impulse act as a hormone. ये एक hormone की तरह काम करता है। The plant hormone made by the water immigrate from the cell.
जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जैसे ही टच आया वहां से जो वाटर है उस वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट में फोटोनास्टिक मूवमेंट, चाहे जिसका हेडिंग नहीं डाला हुआ है। चलिए ठीक है, तो फोटोनास्टिक मूवमेंट, फोटोनास्टिक मूवमेंट क्या है? कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, या जो कुछ फ्लावर्स होता है, वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाते हैं। सनफ्लावर की तरह नहीं होते, सन के डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, ऐसा नहीं है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कैसे दिखाएंगे? कुछ फ्लावर्स डे टाइम में ऐसे ओपन होता है और कुछ रात में ओपन होते हैं। सो ये एक प्रकार का फोटोनास्टिक मूवमेंट है, मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है अपने अपने खिलने का टाइम चेंज कर रहा है। मतलब सन, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में ही ओपन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो मून लाइट में ही ओपन होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट यूजली फ्लावर रिस्पॉन्स टू द लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टिक मूवमेंट। फ्लावर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसको हम फोटोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर, क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू द लाइट आर कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट। ये एक प्रकार का ग्रोथ मूवमेंट है। सी, जो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है ना, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। और जो हमारे पास फोटोनास्टिक है, ये ग्रोथ मूवमेंट है, ये एक प्रकार का ग्रोथ मूवमेंट है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे एक फ्लावर है, डेंडलियॉन्स। डेंडलियॉन फ्लावर ओपन पेटल्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में अपना पेटल्स खोलेगा, वेयर जैसे शाम होती है या डस्क आता है तो ये अपने पेटल्स को बंद कर लेता है। लेकिन हमारे पास एक और फ्लावर है, दैट इज कॉल्ड मून फ्लावर। मून फ्लावर क्या करता है, अब डे टाइम में क्लोज रहता है लेकिन जैसे ही रात होती है वो खिल जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन का मेन काम क्या है? ठीक है, सीड को जर्मिनेट कराता है बाय ब्रेकिंग द डोरमेंसी, समझाया था मैंने। ग्रोथ ऑफ द रूट स्टेम एंड लीफ ऑब्वियस है। प्लांट मूवमेंट, सॉरी, मूवमेंट ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा का मूवमेंट, ओपनिंग करता है, क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग करता है। फ्लावर ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के में फ्लावर्स को खिलाता है। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, फलों को पकाता है। कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट्स भी होते हैं दो, फोटोनेस्टिक एंड थिग्मोनेस्टिक। इस लेक्चर में हमने प्लांट मूवमेंट खत्म कर लिया है, प्लांट के कोऑर्डिनेशन को जान लिया कि प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसका जरूर देखिएगा।